बैकवर्ड इन मिनरल सेक्टर, पाकिस्तान बैकवर्ड है। अच्छा, एक होता है नेचुरल फैक्टर्स और एक होता है फिजिकल फैक्टर्स, दोनों सेम है। नेचुरल और फिजिकल का मतलब सेम होता है, लेकिन अगर ह्यूमन फैक्टर्स की बात हो रही है तो ह्यूमन अलग है। बच्चा क्या गलती करता है, फिजिकल को समझता है, फिजिकल का मतलब हाथापाई और फिजिकल का मतलब ये है कि ह्यूमन फैक्टर। बच्चा सबसे बड़ी गलती ये करता है, नेचुरल फैक्टर्स और फिजिकल फैक्टर्स सेम है, ह्यूमन फैक्टर्स डिफरेंट। सवाल ये है कि भाई पाकिस्तान क्यों पीछे रह गए, क्योंकि नेचुरल फैक्टर्स ये है कि रक्त टोपोग्राफी, टोपोग्राफी का मतलब होता है कि जमीन ऊपर नीचे है, एक्सट्रीम क्लाइमेट, जहां पर माउंटेन्स है वहां पर या तो बहुत ज्यादा सर्दी है या फिर बहुत ज्यादा गर्मी है। तीसरा पॉइंट, जियोलॉजी क्या है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। क्या बहुत ज्यादा, जियोलॉजी बहुत ज्यादा क्या है, कॉम्प्लेक्स। मतलब ये कि जो उसकी स्टडी ऑफ लैंड है वो क्या है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स, तो लोग पढ़ते नहीं है, और जो पढ़ते हैं उनको अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलती है तो वो बाहर चले जाते हैं। तो ये नेचुरल फैक्टर्स है, इसमें अल्लाह ताला का हाथ है, हमारा कोई हाथ नहीं है। अब हम बात करेंगे ह्यूमंस की क्या मसले हैं जिसकी वजह से माइनिंग पीछे, लैक ऑफ फंड्स। हम हमेशा से गरीब है, मशीनरी हमारे पास आज तक अप टू डेट होती नहीं है, पुरानी मशीनरी है, लैक ऑफ मशीनरी। इन्वेस्टर्स की हमारे पास शॉर्टेज है, क्या इन्वेस्टर्स कम है, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास है ही नहीं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा भाई। माइनिंग करने के लिए भी टीम आएगी, माइनिंग करने के लिए भी मशीनरी आएगी, माइनिंग करने के लिए भी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होगी, तो ना आपके पास रोड्स हैं, ना आपके पास इलेक्ट्रिसिटी है, ना आपके पास पानी है। लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आपने बता दी, फिर आपने बताया स्किल्ड लेबर नहीं, इस कामों के लिए चाहिए होती है स्किल्ड लेबर जो कि आपके पास है नहीं। लैक ऑफ गवर्नमेंट सपोर्ट, गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती, वो ये कहती है कि हमें जो है इससे रिटर्न क्या मिल रहा है, कम मिल रहा है, हमें इससे पैसे इतने नहीं मिल रहे, तो इसलिए उसको सपोर्ट ही नहीं करती। और आप ये बताओगे टेररिज्म एक्टिविटीज बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टर्स अपना पैसा नहीं लगा, इन्वेस्टर्स नहीं, तो इस वजह से पाकिस्तान क्या है, पीछे है।